अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। कल क्रिकेट विश्व कप महामुकाबले में 11 साल बाद दोनों टीमें गुजरात में आमने सामने। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। मैच के लिए अहमदाबाद के होटल अस्पताल सब फुल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर जताई असहमति। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कहा किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। सिंधिया को ग्वालियर के लश्करपुर से लड़ाए जाने की है चर्चा। इजराइल सेना ने हमास के 3600 ठिकानों पर हमला किया। जंग में अब तक 2700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा सिटी खाली करने को कहा। यूएन बोला ये 10 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की 20 सीटों के लिए नामांकन। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होगा प्रथम चरण का मतदान। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। दुनिया भर के 11 खिलाड़ी इस रेस में। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ जीता था गोल्ड।